हाय मोमीज एंड डैडीज़ वेलकम बैक टू मॉम कॉम इंडिया ये है हमारी बेबी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीरीज़ जहां हम बात करते हैं कि हर महीने हम अपने बच्चे में क्या ग्रोथ क्या डेवलपमेंट क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ वन का वीडियो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए एंड आज हम बात करेंगे कि मंथ टू के एंड होने तक आप अपने बेबी में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करोगे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आप तक आ सके नाउ लेट्स स्टार्टेड तो सबसे पहले बात करते हैं वेट गेन की तो सेकेंड मंथ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डेली बेसिस पे आपके बेबी का वेट गेन 20 से 30 ग्राम के बीच में होता है सब बच्चों का वेट गेन अलग होता है और कभी कभी वीक्स में भी अलग होता है क्योंकि कई बार बच्चों के ग्रोथ स्पर्ट आते हैं तो किसी किसी वीक में बच्चा बहुत ज़्यादा दूध पीता है और किसी किसी वीक में बच्चा जो है वो नॉर्मल जितना पहले पीता था उतना पीता है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है ये ग्रोथ स्पर्ट्स आगे अभी काफ़ी महीनों तक चलते रहेंगे बट एज लॉन्ग एज हर हफ्ते आपका बेबी का वेट थोड़ा बढ़ रहा है बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दूसरा चेंज आता है साउंड्स अब आपके बेबी की साउंड्स निकलना शुरू हो गई हैं बच्चा आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है चाहे वो गर्गल करने की साउंड हो चाहे वो कूंग साउंड हो बच्चा आपको रिस्पोंड कर रहा है बच्चा आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है तो जो पिछले महीने आपने मेहनत करी जहां बेबी के साथ गा रहे थे स्टोरीज पढ़ रहे थे बातें कर रहे थे उसका रिजल्ट अब आपको मिलना शुरू हो गया है आप अपनी बेबी की साउंड उसकी आवाज जो है अब सुन पा रहे हो तीसरा डेवलपमेंट होता है स्माइल तो काफी बेबीज की इस टाइम

कॉन्टैक्ट स्ट्रोंगर होता जा रहा है स्पेशली फीड करते हुए बेबी जो है वो आपकी आंखों में ही देखता रहता है या फिर जब आप बेबी से बात कर रहे होते हो तो प्रॉपर आई कांटेक्ट आपके साथ मेंटेन करता है फोकस करना शुरू कर देता है इनफैक्ट काफी बेबीज इस टाइम पे आई मूवमेंट भी शुरू करते हैं स्पेशली अगर आप कोई रैटल पकड़ के रैटल को मूव करेंगे तो बेबी उसके साथ मूव करेगा अपनी आंखों को uh, सिर राइट लेके जाएगा लेफ्ट लेके जाएगा सिर्फ आंखों को राइट लेफ्ट लेके जाएगा तो वो आई मूवमेंट भी आपको दिखना शुरू हो जाती है काफी बेबीज इस टाइम पे अपना सिर पीछे की तरफ भी करना शुरू कर देते हैं टू फॉलो एनी ऑब्जेक्ट या एनी पर्सन दैट दे आर इंटरेस्टेड इन नेक्स्ट है साउंड रिकोगनेशन आपका बेबी आपकी आवाज पहचानने लग गया है आपकी आवाज उन्हें काम करती है आपकी आवाज से उनके फेस पे स्माइल आ सकती है आपकी आवाज उन्हें स्टिम्युलेट करती है टू रिस्पॉन्ड तो डेफिनेटली कीप टॉकिंग टू योर चाइल्ड एज मच एज यू कैन उनको इस टाइम पे कोई टॉय कोई गेम नहीं चाहिए इस सेकेंड मंथ में जो थोड़ा बहुत वो उठे रहते हैं उसमें सिर्फ आप चाहिए नेक्स्ट है मोटर स्किल्स तो आप देखोगे कि आपके बच्चे के अब हाथ पैर काफी चलने लग गए हैं स्पेशली जब आप उन्हें मसाज कर रहे होते हो बिल्कुल खुला छोड़ देते हो ना डाइपर है ना मिटन्स है ना सॉक्स है बॉडी एकदम खुली है तो वो अपने हाथ पैर को काफी मूव करते हैं अगर आप उन्हें रॉकर्स में बिठाते हो तो आप देखोगे की जो ऑब्जेक्ट उनके ऊपर ऐसे लटक रहा होता है वो उसको हिट करने

अगर आप उनका ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो पैर पैर को पेर का अंगूठा भी उनको मुंह में रखना है। ये ऐसा नहीं है वो नेक कंट्रोल तो जितना आप अपने बच्चे को टमी टाइम देते हो या शोल्डर पे रखते हो उतना ही बच्चे का नेक कंट्रोल स्ट्रांग होता है अराउंड तीन महीने तक बच्चे अपनी नेक को स्टेबल कर लेते हैं तो यहां पे आप देखोगे कि काफी अच्छा नेक कंट्रोल मेरी डॉटर का ऑलरेडी हो रहा है इसमें क्या होता है कि सिर्फ अपनी नेक ही नहीं वो ऊपर चेस्ट भी उठाना शुरू कर देते हैं इज़ अ वेरी वेरी गुड डेवलपमेंट डेवलपमेंट फॉर देयर बॉडी नेक्स्ट है है कि अब आपका बेबी जो है वो ज़्यादा देर के लिए अवेक रहना शुरू हो गया है और ज्यादा अलर्ट हो गया है जैसे फर्स्ट मंथ में आपने देखा कि बेबी बहुत ज्यादा सो रहा है शोर हो कुछ भी हो बेबी बस सोता रहता है सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स थोड़ा बहुत शोर भी बेबी को अपनी अच्छी वाली नींद से डिस्टर्ब कर सकता

पे आपका बेबी बहुत सारी दिन में नैप्स लेता है एंड हो सकता है कि रात को वो लंबी नैप ले रहा हो जैसे मेरी डॉटर के साथ ये हुआ था कि अराउंड वन एंड हाफ मंथ के आसपास उसने रात को एक लंबे स्ट्रेच की पाँच घंटे की नैप लेनी स्टार्ट कर दी थी जो हम रोज ऑब्जर्व कर रहे थे कि रोज़ ऐसा हो रहा है बट दिन में उसकी नैप जो है वो आगे पीछे हो जाती थी मिनिमम आपका बेबी जो है वो फोर्टी मिनट्स एक नैप लेता है फोर्टी मिनट्स की एक स्लीप साइकिल होती है बच्चों की जिसके बाद वो ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो उठे रह जाते हैं अगर फटाफट आपने ध्यान दे दिया और उन्हें वापस सुला दिया तो हो सकता है कि वो लंबा भी खींच लें डेढ़ से दो घंटे वो सो जाए इसके बाद बात करते हैं फीडिंग की तो अब आपको थोड़ा सा समझ आ जाता है आपके बेबी का फीडिंग पैटर्न फर्स्ट मंथ में आपने काफ़ी मेहनत करी है इस पर तो आपको पता है कि आपके बेबी को दो से तीन घंटे के बीच में कब भूख लगती है हम टाइम कर पाते हैं कि अच्छा अच्छा इसका फीड का टाइम होने वाला है अगर आप बॉटल के फिर थ्रू फीड दे रहे हो तो आपको ये समझ आ जाता है कि इतनी फीड मेरा बेबी अप्रॉक्सीमेटली लेता है ऑब्वियसली थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं कभी कभी कोई ऐसे दिन होते हैं जहाँ ज्यादा फीड ली कम फीड ली सो ये सब तो चलता रहता है बट एक थोड़ा सा प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो इस टाइम पर आ जाती है एंड देन बात हैं वैक्सीनेशन की तो सिक्स वीक्स पे आपके बेबी को बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन लगती हैं डी टैप न्यूमोकोकल वायरस हेपेटाइटिस बी पोलियो ये सारा कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन जो है वो इंजेक्शन के थ्रू एंड और ओरल ड्रॉप्स के थ्रू आपके बेबी को सिक्स वीक्स पे लगना बहुत जरूरी है एंड देन लास्ट दो चीजें हैं जो बहुत फन पार्ट है सेकेंड मंथ का पहला है कि आपका बेबी हो सकता है अब आपको इमोट करना शुरू करें जैसे कई बार आप बेबी को अगर अपनी टंग दिखाते हैं ऐसे करके तो आप नोट करेंगे कि ज़्यादा इस पर फोकस करने के बाद कोई ऐसा दिन आएगा जब बेबी भी आपको वापस तंग दिखाना शुरू कर देगा एंड दी अदर थिंग इज दैट अब आपके बेबी ने आपको रिकग्नाइज़ करना शुरू कर दिया विच इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग आपके सामने आते ही आपकी आवाज़ सुनते ही बेबी के फेस पे एक स्माइल आ जाना बेबी का अलर्ट हो जाना बेबी की आंखें आपके ऊपर फिक्स हो जाना ये सारे साइंस हैं कि बेबी ने आपको रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया है अब बेबीज़ जो हैं वो फार भी देख सकते हैं तो पहले उनको बहुत पास से ऑब्जेक्ट

ट के एंड पे आ गए हैं इट वॉज अ फन फील्ड मंथ फॉर यू और आगे आने वाले मंथ और भी ईजी होने वाले हैं सो डोंट वरी कीप फॉलोइंग आर सीरीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंगमकॉम इंडिया लाइक दिडियो सीओ सोन